क्लास 9 हजरत अस्मा एंड इस्लाम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ये बहुत इजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इट विल यू कैन गेट वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन इन दिस चैप्टर। चलिए जी, वी विल स्टार्ट पॉइंट नंबर 1। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु माइग्रेटेड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की तरफ इन द ईयर 622 AD। ठीक है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 622 में हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ। व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स, जब चीफ्स कहते हैं सरदार, वेरियस ट्राइब्स मुख्तलिफ कबाइल के सरदार, ऑफ मक्का केम टू नो, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को पता चला, उन्होंने इस बात का इल्म हुआ अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी दोस्त हिजरत कर गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गॉट फ्यूरियस, तो वो बहुत शदीद गुस्से में आ गए या तैश में आ गए। द चीफ्स वर डिटरमिंड, जो सरदार थे वो पुरअज़म थे, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, उनको ढूंढ निकालने के लिए दे ऑफर्ड, उन्हें पेशकश की ह्यूज रिवार्ड, बहुत बड़े इनाम की एंड बाउंटीज और इकराम की, इनाम तो कहते हैं इनाम इकराम गिफ्ट्स वगैरह फॉर देयर कैप्चर, उनकी गिरफ्तारी के लिए, डेट और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। मतलब ये कि मक्का के सरदारों ने, मुख्तलिफ सरदारों ने मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढने की कोशिश की और ये इनाम रखा कि जो उनको लेकर आएगा जिंदा या मुर्दा तो उनको गिफ्ट्स मिलेंगे, उनको इनाम मिलेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी, इस सफ़र की तैयारी, वॉज मेड एट द हाउस ऑफ द हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर की गई। हज़रत अस्मा ब्रांडेड, हज़रत अस्मा ने पेश की सर अंजाम दी यूजफुल सर्विस इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में बहुत अहम खिदमत सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड, वो तैयार करती थी फूड फॉर दिस जर्नी, वो इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया उन्होंने। शी टाइड द फूड, और उन्होंने बांधा इस खुराक को, बांधा खाने को, बांधा बूंदा क्या बैग, ऊँच की बैग पर हर ओन बेल्ट, अपनी बेड से अपनी कमरबंद से, एज नथिंग एल्स वुड बी फाउंड, क्योंकि कोई और चीज़ में असर नहीं थी। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के लिए शी वॉज गिवन द टाइटल, ने ये खिताब दिया गया, लकब दिया गया ऑफ ज़ातुल तकीन, ज़ातुल तकीन का, क्योंकि जो बेल्ट होती है उसको नताक कहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ातुल तकीन का लकब दिया बाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ड्यूरिंग द पैरेलस जर्नी, इस पुरखतर सफ़र में, इस खतरनाक सफ़र में, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनिमल, ये बहुत मुश्किल था किसी के लिए टू सप्लाई फूड, जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फराहम करें पूरा खाना। दिस सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट, क्योंकि सूरत हाल बहुत नाजुक थी, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, कि मामूली सी गलती, कुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मामूली सी गलती आप खतरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन, ये अहम तरीन काम निभाया भाई हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह अहम तरीन काम सर अंजाम दिया। द डॉटर ऑफ द हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि बेटी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एवरी नाइट हर रात विद पैक ऑफ फूड, खाने को पैक करके, शी वुड क्वाइटली वेंचर, वो खामोशी से एक पुरखतर सफर की तरफ चली जाती, टुवर्ड्स द रॉक माउंटेन्स, नामवर पहाड़ों की तरफ, इमेज ले द गेम ऑफ थॉट, गारसोर की तरफ। शी टुक केयर ऑफ मिनट डिटेल, वो ख्याल रखती थी पल पल की तफसीलात का, इन अकम्पनिंग द टास्क, अपने काम को मुकम्मल करने के लिए, मतलब जब वो खाना लेकर जाती थी तो वो पल पल की डिटेल्स रखती थी। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन, कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए टू ट्रैवर्स, सफ़र करना, नर
की बात उस पथरीले रास्ते का सफर करना एट नाइट, रात के वक्त जब इतनी लाइट भी नहीं होती तो उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा उस पथरीले रास्ते का सफर करना, ना हमवार रास्ते का सफर करना विद अ कॉन्स्टेंट फेयर, जबकि था एक मुसलसल खौफ था ऑफ बीइंग डिटेक्टेड के उनकी आप क्या लेके पीछा किया जा रहा है, एक मुकम्मल तशवीश का खौफ उनके अंदर था। और एक ना हमवार रास्तों पर पहाड़ों पर खाना लेकर आप सल्ली जाती थी। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन हिजरत की रात अ ट्राइबल चीफ एक कबीले का सरदार ऑफ डिसबिलीवर काफरों के कबीले का एक सरदार है अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी एक इडियम है इसका मतलब होता है शदीद गुस्से में होना। काफरों के कबीले का एक सरदार था अबू जहल जो शदीद गुस्से में था, हेडेड टूवर्ड्स रवाना हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मसरूर, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर रवाना हुआ। ही बिगेन, उसने शुरू किया नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, मतलब शिद्दत से जोर जोर से उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। एड्रेसिंग हजरत अस्मा, हजरत अस्मा से मुखातिब होते हुए ही डिमांडेड वेयर इज योर फादर, उन्होंने मुतालबा किया, सवाल पूछा कि कहाँ है तुम्हारा वालिद। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने बहुत नरमी से जवाब दिया, शाइस्तगी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। दिस रिस्पॉन्स, ये जवाब शोज द विजडम, उनकी अकलमंदी को जाहिर करता है, एनकरेज और उनके हौसले को, क्योंकि वो डरी नहीं थी, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में थी। उन्होंने बड़े हौसले से अकलमंदी से जवाब दिया। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, और उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जिनसे उन्हें कोई इशारा मिल जाता। शी सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन, बिल्कुल सादगी से उन्होंने सवाल के जवाब में क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछ लिया दैट जो कि इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, जो कि अबू जहल को शदीद गुस्से में ले आया, वो तैश में आ गए। ही स्लैप्ड, ही मतलब अबू जहल ने स्लैप्ड थप्पड़ मारा हजरत अस्मा फेस, हजरत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ मारा, सो हार्ड, इतना जोर से थप्पड़ मारा दैट हर हेयरिंग फेल ऑफ, कि उनका उनकी बाली कान की बाली जो है वो गिर गई। बट शी रिमेंड, लेकिन वो रही स्टेडफास्ट, साबित कदम रही, एंड डिड नॉट रिवील अ सीक्रेट, और राज को फाश नहीं की।